हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी विजय, एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। सो यहाँ पे एसएससी विजय चल रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी 100 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट 4, और उसके बाद आपके 100 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कल के सेशन में हम ज्योग्राफी लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून। ठीक है, कल ज्योग्राफी पे सेशन होगा, और ये जो सेशन है एसएससी विजय का जीए का, वो रोज सुबह 9 बजे होता है, डेली एट 9 AM। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन है, इसे जरूर हिट करें। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखो। सुंदरी, अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्री इज फाउंड इन। सुंदरी करके एक वेल नोन स्पीशीज है ट्री की, ठीक है, ट्रीज की स्पीशीज है ये, तो ये कहाँ पे मिलती है, कौन से फॉरेस्ट में पाई जाती है? सो इट इज फाउंड इन मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन डी, मैनग्रोव फॉरेस्ट। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल कौन सा है इंडिया में? सो दैट इज इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल जो है, ये लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है इंडिया का, जिसको पहले राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और ये कितना बड़ा है? ये 650 किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, 650 किलोमीटर। Which of the following can be used to absorb neutrons and to control the chain reaction during nuclear fission? जो nuclear fission process होता है, उस time पे जो क्या चीज है, किसको use करा जाता है neutrons को absorb करने के लिए? क्यों? To control the chain reaction को control करने के लिए। So that is plutonium, option T. कर्मोदया ग्रंथ बुक इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ विच इंडियन पॉलिटिशियन? किस इंडियन पॉलिटिशियन की लाइफ पे बेस्ड है ये बुक, कर्मोदया ग्रंथ? तो वो है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, जो अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्रधानमंत्री है। हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD? 1026 AD में किसने अटैक और लूट करा था सोमनाथ टेम्पल को? ठीक है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, ठीक, तो वो है महमूद ऑफ गजनी, ऑप्शन बी, महमूद ऑफ गजनी। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी किस साल इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की जॉब कर रहे थे, बैरिस्टर की नौकरी कर रहे थे, तो वो किस साल आए थे इंडिया? तो वो वापस इंडिया आए थे 1915 में, ऑप्शन सी, 1915 में। ठीक है, और 1915 में एक और इवेंट हुआ था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उनको टाइटल मिला था नाइटहुड का। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव द सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव द सेम। अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन है जो उसकी वेवलेंथ सेम है, तो फिर अगर वेवलेंथ सेम है तो और क्या चीज सेम होगी? मतलब लीनियर मोमेंटम, तो उनका लीनियर मोमेंटम भी सेम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? एटमोस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? ठीक है, सो अपर मोस्ट लेयर होती है एग्जोस्फेयर, ऑप्शन सी। टोटल 5 लेयर होती है एटमोस्फेयर में। ठीक है, 5 कौन कौन सी हो गई? ट्रोपोस्फेयर, एक तो ट्रोपोस्फेयर हो गई, एक होगी मिसोस्फेयर, एक होगी स्ट्रेटोस्फेयर, एक एग्जोस्फेयर तो बता ही दी है, और एक होती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 लेयर होती है एटमोस्फेयर में। बापू नंदकर्णी वॉज एसोसिएटेड विद विच गेम? बापू नंदकर्णी जो थे, वो इनमें से किस गेम से एसोसिएटेड थे? सो ही वॉज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ऑप्शन डी। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाई होम इन कैलकटा? इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA वो 1876 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसने उसको एस्टेब्लिश करा था? कैलकटा में। ठीक है, वो कैलकटा में एस्टेब्लिश हुआ था 1876 में, तो वो है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1885 में। विच गैस इन इट सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कौन सी गैस है जो अपनी सॉलिड स्टेट में, जिसको ड्राई आइस के नाम से बोला जाता है? सो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटलॉइड है? सो दैट इज सिलिकन। ठीक है, तो सिलिकन जो है, इट इज मेटलॉइड। मेटलॉइड कौन से एलिमेंट होते हैं जिसमें दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मिलती हैं? ठीक है, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो होते हैं मेटलॉइड। तो यहाँ पे हो गया सिलिकन। नेशनल यूथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हूज ऑनर? किसको ऑनर करने के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है? सो वो है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती।
ठीक है, इनको ऑनर करने के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। नेशनल यूथ डे की बात करें तो कब होता है, तो नेशनल यूथ डे जो होता है वो होता है 12 जनवरी को, ठीक है, 12th जैन को होता है नेशनल यूथ डे। एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे, वो होता है 12th अगस्त को, सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे और 12th अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं जो कि लेड पेंसिल के मैन्युफैक्चर में यूज की जाती है, ठीक है। जो लेड पेंसिल होती है आप लोगों ने देखी होंगी, उसके लिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स आर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और जो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर या प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर, ऑप्शन ए। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिस्पॉन्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनमें से कौन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा, ठीक है। एक चीज और, तीनों कब हुई थी, पहली हुई थी 1930 में, 1913 में, दूसरी हुई थी 1931 में यानी कि 1931 में, और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में, दैट इज 1932 में, ठीक है। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो किसमें, इनमें से किसने तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, सो ही वाज बीआर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज, यंग इंडिया और हरिजन के एडिटर कौन थे, सो ही वॉज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, ही वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन। जे जे थॉम्सन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, जे जे थॉम्सन जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में किस चीज की डिस्कवरी के लिए, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में, 1906 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, ऑप्शन बी। द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, मूसी और भीमा करके जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, सो दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, ऑप्शन बी। नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हुम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, दैट मीन्स 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में आपको बताना है कि वो फर्स्ट एवर जज कौन है सुप्रीम कोर्ट के, जिनके अगेंस्ट मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इंट्रोड्यूस करा गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, सो आपको बताना है हु वॉज ही, तो दैट इज रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, आर्मी डे इंडिया में कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे हर साल इंडिया में 15 जनवरी 15 जैन को मनाया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को, सो दैट इज UNO, ऑप्शन ए, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय। WEF तो पता है आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और IMF हो गया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कलारीपयट्टू इज द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट, कलारीपयट्टू जो है वो एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो आपको बताना है कि वो किस स्टेट की मार्शल आर्ट फॉर्म है, सो दैट इज ऑफ केरला, ऑप्शन डी। Which of the following is not the commercial source of energy? इनमें से कौन सा commercial source नहीं है energy का? So that is firewood. ठीक है? Option D. Firewood is not the commercial source of energy. Which one of the following minerals is found in monazite sand? Sand के बहुत सारे टाइप होते हैं, एक होता है monazite sand. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि monazite sand में पाया जाता है, ठीक है? So that is thorium. Option C. तो थोरियम वो मिनरल है जो कि मोनेजाइट सैंड में पाया जाता है। तो इसी के साथ आपके 100 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, और कल हम आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, सो डेट डू वॉच दैट सेशन बिकॉज अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको और किसी टाइप के MCQs या और सेशन चाहिए, किसी भी थियोरिटिकल सेशन, MCQ सेशन, तो कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं, हम वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये GA का सेशन याद रखिएगा, ये डेली सुबह 9 बजे होता है, ठीक है, 9 AM। एंड लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन।